मटेल युक्त अनिल ढिगरा व डीआईजी आनंद कुलकर्णी ने संबंधित अधिकारियों के साथ गोरखपुर के बाढ़ प्रभावित गांवों का एनडीआरएफ बोर्ड पर बैठकर निरीक्षण किया। इस दौरान मंडल आयुक्त अनिल ढिगरा ने कहा कि जनपद में 45 गांव प्रभावित हैं। सभी गांवों के बाढ़ प्रभावित नागरिकों को राशन सामग्री वितरण किया जा रहा है। जिन गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है वहां पर नाव को उपलब्ध करवाया गया है। टीम लगातार गांवों का निरीक्षण कर रही है। गायों के लिए भूसा व चोकर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके साथ ही हर गांवों में डॉक्टरों की टीम भी उपलब्ध है। यदि किसी को किसी तरह की दिक्कत होती है तो उनको चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। इस संबंध में गोरखपुर नी से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, गोरखपुर में अभी नदी स्टेबल हो गया है। टोटल जनपद में करीबन 48 गाँव के आसपास अगर आप नागरा और राशिगंज सभी गांव में जो भी जितने प्रभावित गांव हैं वहां पे राशन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। रेगुलर बंधों की पेट्रोलिंग की जा रही है। जितने भी रेन कट हुए थे आरोपी की ट्रैकिंग करा दी और मतलब कि अगर एक बार दोबारा अगर बारिश होता है तैयार और हेल्थ कैंप्स लगभग 28 हेल्थ की टीम लगाई गई जो रेगुलर इंटरवल मेडिसिन और हमारे सीएचसी को भी लगा। आज हम लोग बस यही जायजा लेने गए थे कि जहाँ जहाँ किस पानी घुसता है वहाँ पर लोगों को जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि इस समय पर मॉनसून की वर्षा होने की वजह से नदियों तालाबों व अन्य जल स्रोतों में पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। इस चीज को दृष्टिगत रखते हुए लगातार प्रशासन पुलिस और अन्य सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रों का भ्रमण किया जा रहा है। जहां जहां आवश्यकता है वहां पर राशन इत्यादि का वितरण किया जा रहा है। पीएसी एसडीआरएफ एनडीआरएफ द्वारा भी नदियों और बाकी सभी क्षेत्रों में बोट के माध्यम से भ्रमण किया जा रहा है और जहां जहां भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता है वहां प्रोवाइड कराई जा रही है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाह रहा हूं कि बढ़े हुए जल स्तर को देखते हुए कोई भी व्यक्ति ऐसे नदियों या तालाबों के पास नहाने इत्यादि के लिए ना जाएं जिससे कि दुर्घटना हो सके। बच्चों को बुजुर्गों को विशेष रूप से सेफ जगह पर रखें और आने वाले दिनों में कोई भी चीज़ की अगर आवश्यकता है किसी भी स्थिति से अगर निपटना है तो प्रशासन और पुलिस से आप लोग संपर्क करें। अपने स्तर से जल स्रोतों के पास विशेष रूप से नदियों के पास जाने से परहेज करें ताकि कोई भी दुर्घटना डूबने की इत्यादि की कोई भी दुर्घटना आने वाले दिनों में ना हो सके।